और मेरे सखियां कुल बाई के महलन में गुइयां ये अंकित भैया जयसवाल चेयरमैन जो 2100 रुपए मल्लावा हरदोई से भागवत कथा में दान दे रहे हैं। भगवान से कहना है इनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण हो। ये इच्छा और अभिलाषा है बोली वृंदावन हरि लाल की। आइए महाराज श्री सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं। हे राजन परीक्षित, इधर महाराज महलों में आए। रानी ने राजा को जैसे ही देखो, महाराज बैया पकड़ ली और पचरंग पंगला नवायो है। रानी ने महाराज को बिठाई लियो। महाराज आज रानी कहने लगी, स्वामी ऐसा है, जवाब दिया है तो इधर क्या बोली है। ये रशीद भैया जहाँ भी हो, ये सीमा जो दिल्ली वाली तुम्हें याद कर रही हैं, उनके पास जाकर के मिले। अरे सैया सुनो अरज हम
जवाब दियो है। महाराज के दोनों पैर पकड़ लिए। रानी बोली है, महाराज इस आंगन में तुम्हारी बेटी विवाह के योग हो गई, कोई अच्छा सा वर देखो और उसकी शादी रचवा दो। तो राजा भीष्मक ने सोचा कि बाबा नारद बचपन में योग में ला गए थे, नाम भी बता गए थे और कह गए थे कि इसका पति कृष्ण होगा, भगवान के साथ में इसकी शादी होगी महाराज। तो राजा भीष्मक बोले, चिंता मत करो महाराज, आज आपस में राजा और रानी बातें करने लगे तब तक रुकुम के कानों में आवाज पड़ी है। रुकुम पास में आया, जवाब दिया, क्या कह रहे हो? बोले, बेटा तुम्हारी बहन शादी के योग हो गई, उसके लिए कोई अच्छा वर तो होना चाहिए। इधर मेरे भैया, तो आज महाराज रुकुम पास में पहुंचो, जवाब दियो पिता। तो भीष्मक बोले, बेटा तेरी बहन शादी के योग हो गई, इसका कोई अच्छा सा वर ढूंढे जाए, लेकिन जब ये छोटी थी बचपन में बाबा नंद जो आए थे वो योग मिला गए हैं। तो रुकुम ने जवाब दिया है, क्या